इस वीडियो में हम ऐसे एआई टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। आपने बहुत से लोगों के वीडियो में पेपर एनिमेशन वाला इफेक्ट देखा होगा और हैरानी की बात यह है कि आप इसे किसी भी वीडियो एडिटर में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी तगड़े तगड़े एआई टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं पहले एआई टूल की तरफ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉन्च वाले बटन पर क्लिक करिए, कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर YouTube का लोगो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ और यूज इमेज पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है और यहाँ पर आप इसके बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। इसे 70-80 पर सेट करके आप देख सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा कस्टमाइजेशन सबसे सही होगा। तो इसे आप अपने हिसाब से यूज करके देख लीजिएगा, जो आपके लिए सही लगे वो वहीं पर आप इसे सेट कर दीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ से आप इसका जो क्वालिटी है वो आप चेंज कर सकते हैं। 720p है और 1080 है, तो 1080 वाला जो है वो पेड है। जस्ट इसके बगल में रेशियो चेंज करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:16 है और 16:9 है। तो जैसे ही हम 16:9 पर क्लिक करते हैं, वीडियो ओरिजिनल फॉर्मेट पे हो चुकी है और इस ऑप्शन का यूज करके इसके स्क्रीन को ग्रीन कलर में कर सकते हैं। यहां से आप कोई भी और इमेज वगैरह यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे यहां से यूज कर सकता हूं अगर आप कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट करना चाहें। और इस ऑप्शन का यूज करके आप पेपर का अनफोल्ड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फोल्ड होता हुआ यहां पर एनिमेट हो रहा है। और इस ऑप्शन से आप यहां पर टेक्स्ट वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं और जनरेट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस नाम से एनिमेशन होना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल हम यहां पर हम वही इमेज ही अपना रखेंगे जैसे कि इसे मैं यूज करता हूं। और इसके बाद अब जैसे कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक समस्या ये है कि इसमें आपको एक ही क्रेडिट मिलता है जिसे आप एक ही वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसका भी मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं, आप क्या करिए इतने का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो यहां पर जब आप वीडियो को एडिट करेंगे तो उस कंडीशन में आप फालतू की चीजों को रिमूव कर सकते हैं, बाकी जो मेन एनिमेशन वाला पार्ट है उसे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एआई टूल कितना पावरफुल है इसे तो यहाँ पर क्रिएट इमेज पर क्लिक करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कस्टम सेटिंग के अंदर जा करके यहाँ से आप इमेज के प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना इमेज का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जो भी इमेज अगर आप जनरेट करवाना चाहें। वैसे दोस्तों इस एआई टूल के अंदर आप इमेज टू इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज टू प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट टू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारे काम करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ चीजें पेड है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम काफी सारी चीजों को देख चुके हैं जिसमें कुछ चीजें हैं जो कि पेड है, लेकिन जो फ्री है वो यहाँ पर बहुत ही काम की चीज है। आप इमेज टू प्रॉम्प्ट वाले बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने किसी भी इमेज को अपलोड कर देंगे जिसका हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसका मुझे प्रॉम्प्ट लिखने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो वहां पर ये AI टूल आपके लिए ये काम करेगा। तो हम क्या करेंगे इस इमेज को यहां पर अपलोड कर देंगे और जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज है और इसे अपलोड करते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रॉम्प्ट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर के बाद देखिए कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा। अब चलिए इस प्रॉम्प्ट का सत्यापन करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं काम करता है। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और हम सीधा लियोनार्डो AI पर आ जाते हैं और इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स पे यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ से हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद इसने यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस कैसे इमेज जनरेट करके दे दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये इमेज एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। चलिए इसमें से किसी एक इमेज को डाउनलोड करके देख लेते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और आप इस इमेज को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट का लफड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वाला AI टूल बहुत ही काम का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने ये वाला जो इमेज है ये अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं और ये इमेज कॉपीराइटेड है तो आप
क्या कर सकते हैं, आप इस इमेज से प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद जो एआई टूल प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करता हो उसका यूज करके आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं। तो जो इमेज बनेगी वो आपकी इमेज हो जाएगी, तो उसमें किसी प्रकार की कॉपीराइट का कोई लफड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब जमाना एआई का आ गया है। तो अब कोशिश करें कि अब ज्यादा से ज्यादा आप एआई इमेजेस यूज करें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इस एआई टूल का यूज करके आप कुछ ही सेकंड के अंदर लोगो क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज वगैरह को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, इसे आप यहाँ से इसका रोटेशन वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड में अगर आप कोई चीज चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड का साइज है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। राउंडेड वाला जो ऑप्शन है उसे आप यूज कर सकते हैं, जितना पीछे लेकर जाएंगे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे लेकर जाएंगे तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप शैडो वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसा आपको कलर चाहिए। सो हम आइकन वाले पे आके और इसका जो कलर है वो यहाँ पर हम व्हाइट ही रखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये सही है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, तो इनमें से आप किसी भी आइकन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए मैं यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन यूज करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। बस यहाँ से आप इसका जो रोटेशन वगैरह है आपने अपने हिसाब से यहाँ पर आप इसे मैनेज कर लीजिए। बाकी यहाँ से आप इसका थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है जिसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब जब आपकी एडिट फाइनल हो जाए, अब जब आपकी एडिटिंग फाइनल हो जाए तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बटन दिखेगा, क्लिक करिए। दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक डाउनलोड SVG और एक डाउनलोड PNG। अगर आप वेक्टर ग्राफिक्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप SVG फॉर्मेट पर डाउनलोड करिए, और अगर आप रास्टर ग्राफिक्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप PNG फॉर्मेट पर इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही इसका आइकन कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। खत्म।